पीछे वाली लाइट है ये पूरी तरह से टूटी हुई है। गाड़ी में काफ़ी कुछ सामान है डिक्की में रखा हुआ। अब वैक्यूम तो मैंने फ़िलहाल यहीं पर रख दिया इसके अंदर ही, क्योंकि और कहीं काम नहीं आएगा, यहीं पर आएगा। स्नोफॉल शुरू हो चुका है हल्का हल्का, अभी फ़िलहाल कम कम है। जरूर तो लिया होने तीन नहीं, नहीं। कौन ले गया हमारी लकड़ी अपने इतना लाई थी मैं, पूछ चलाते हूँ कौन ले गया हमारी लकड़ियाँ। Hey guys, welcome back, कैसे हैं आप लोग। मैं विकी आचार्य आपका दोस्त और आप देख रहे हैं विकी आचार्य व्लॉग्स। दोस्तों मैं निकल पड़ा हूँ आज का व्लॉग बनाने, स्पेशली कहीं जा रहा हूँ तो आपको बताते हैं चलते चलते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मौसम देखिए बारिश लगी हुई है, सुबह काफ़ी बढ़िया मौसम था आज, लेकिन अभी मौसम ख़राब हुई है और बारिश लगनी शुरू हो गई है। आज वैसे भी 100% बताया था स्नोफॉल। आप देख रहे होंगे मैं आ गया हूँ अपनी पार्किंग में, गांव वाली पार्किंग में, शिवा पार्किंग में। और यहाँ पर मेरी गाड़ी लगी हुई है और वहाँ पर मेरी बाइक लगी हुई है। तो आज मेरा प्लान, वैसे सुबह का कोई प्लान था नहीं, तो मैंने सोचा चलिए आज गाड़ी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब से मैंने ये ली है अच्छे ढंग से साफ़ तक नहीं की हुई है, तो आज आया हूँ मैं साफ़ करने इसको। और मेरे पास जो कंपनी वालों ने मुझे वैक्यूम पंप दिया हुआ है उससे साफ़ करने के लिए है, कि उस अंदर से मैं इसको साफ़ कर सकता हूँ, वो भी मैं साथ लाया हूँ बैग में भर के। मुझे चलाना तो आता नहीं है लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा आज। तो ये मेरी गाड़ी रही गाइस, और देख रहे होंगे आप कितनी धूल है इसमें, बहुत ज़्यादा धूल है। सबसे पहला काम तो यही है कि मैं स्टार्ट करूं इसको थोड़ी देर, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसको स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है। यही होती है इसकी चाबी, कहाँ होती है, अभी थोड़ी देर पहले तक मैं सोच रहा था कि वाटरफॉल जाके आऊँ, जोगनी वाटरफॉल। काफ़ी टाइम से मैं वहाँ भी नहीं गया हूँ, लेकिन बाद में देखा मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, बारिश लग पड़ी थी, उस वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा। और आज का जो व्लॉग है वो भी काफ़ी लेट बन रहा है, मतलब कि अभी टाइम हो गया होगा, मुझे लगता है शाम के 4 बज गए हैं जी। सुबह से वही मेरे पास, जब भी मैं घर पर होता हूँ तो यही काम होता है कि ईवा के साथ ज़्यादातर टाइम मेरा बीतता है, और आज भी वैसा ही था। और सुबह मौसम साफ़ था, बढ़िया था, धूप काफ़ी बेकार सी थी आज, ठंडी ठंडी धूप थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि ईवा को बाहर धूप में भी नहीं रखा मैंने ज़्यादा, इसलिए अंदर ले गए थे, अंदर तंदूर जला के बैठे हम लोग, तो अंदर टाइम का पता भी नहीं चलता, एकदम से नींद आ जाती है कई बार, वैसा हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि चलिए आज चलते हैं, थोड़ा गाड़ी का कर लेते हैं, देखते हैं इसको कैसे कैसे चलाते हैं इस वैक्यूम को, और गाड़ी में कैसे यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, मुझे नहीं आता अभी भी। तो सबसे पहले तो सीट पीछे करनी पड़ेगी, और मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली है इसलिए इसका बहुत सारा काम करवाने को है अभी भी। इसका ये वाला जो यहाँ पर लाइट होती है ये भी नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरा होता है काफ़ी अंदर, और मुझे नहीं कोई आइडिया कि और भी कोई लाइट होती है कि नहीं होती, नहीं कोई लाइट नहीं, और यही है जो भी है। तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ मैं जी। ओ फ्यूल तो एम्प्टी बता रहा है चलिए देखते हैं ट्राई करके। गाड़ी तो ऑन हो गई एकदम से, बहुत दिनों से स्टार्ट नहीं की थी गाड़ी, उसका भी मुझे डर था। लास्ट टाइम हम कुल्लू गए थे उसी टाइम उसी दिन मैंने स्टार्ट की थी, तो पुरानी गाड़ियों में ये सिस्टम होता है कि इनको बार बार स्टार्ट करना पड़ता है, मैंने सुना है, बाकी पता नहीं है। तो दोस्तों अंदर से तो थोड़ी बहुत सफाई हो गई है, थोड़ी बहुत ही हुई है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ें सब कुछ निकालनी है, लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं इसमें निकालना चाहूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो मैं एक चुनरी निकालूंगा, ये किसी देवी की होगी शायद, ये डोरी निकालूंगा, ये भी किसी
देवी की या देवते की होगी। कुछ एक चीज़ें रखूँगा मैं, कुछ एक निकाल दूंगा, और उसके बाद रहेगी मेरे पास बाहर की। इसमें थोड़ा कपड़ा मारेंगे, ज़्यादा तो नहीं कपड़ा मारेंगे इसमें, बाकी धोना तो यहाँ पर ही पॉसिबल नहीं है फिलहाल। धोने के लिए कभी बाहर ले जाऊँगा मैं, वॉशिंग स्टेशन में ले जाऊँगा कहीं पर, वहाँ धोऊँगा इसको, धुलाऊँगा। बाकी ये देखिए कितना बाहर काफ़ी मिट्टी है लगी हुई इसमें, तो ये करते हैं साफ। कपड़ा है मेरे पास यहाँ पे, ये भी मैला सा है, चलिए करते हैं। दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे आप, ये जो पीछे वाली लाइट है ये पूरी तरह से टूटी हुई है, और यहाँ पर भी ठीक ठाक डैमेज सी हुई है गाड़ी, और बाकी तो लगभग ठीक ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ख़राब गाड़ी है, इसकी ज़्यादातर हालत मैंने ही की है क्योंकि मैंने स्पेशली ली थी सीखने के लिए, और मैंने ये ज़्यादातर चलाई भी है इसी जगह पर जो ये पार्किंग है इसी के अंदर। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो ये पिलर हैं इनमें कई बार टकराई है गाड़ी, जिसकी वजह से यह हालत हुई इसकी। और ये सब क्या बताएं आपको क्यों हुआ है, जब चेंज करवाएंगे ये वाली लाइट चेंज करवाएंगे हम लोग, क्योंकि ये जाएगी पता नहीं कब जाएगी, टूट के गिर सकती है ये। और यहाँ पर इसकी काफ़ी डैमेज आया था इसका, यहाँ पर भी ये पूरा हिस्सा टूटा हुआ था। एक बार बैक कर रहा था मैं गाड़ी को, तो उसी टाइम ये हुआ है हादसा छोटा सा। और बाहर मौसम देखिए बहुत ख़तरनाक मौसम हुआ है, बारिश से यहाँ पर पार्किंग में झरना बन गया है, और ऊपर ऊपर बर्फ़ पड़ रही है शायद यहाँ पर इस जगह पे। बस अब जल्दी से निपटाते हैं अपना काम और निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ठंड हो रही है अब काफ़ी। गाड़ी में काफ़ी कुछ सामान है डिक्की में रखा हुआ, अब वैक्यूम तो मैंने फ़िलहाल यहीं पर रख दिया इसके अंदर ही, क्योंकि और कहीं काम नहीं आएगा, यहीं पर आएगा। और इसमें एक छत्ता था, ये बोतल है, और एक ये था, ये टायरों में लगता है शायद, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, इसको यहीं रखते हैं। और ये चीज़ें तो हम निकाल देंगे इससे, क्योंकि गाड़ी अब साफ़ करनी है मुझे थोड़ी। बढ़िया लग रही है गाड़ी, क्या बात है। और ये चीज़ें भी निकाल देते हैं अब, जय हो। अब किसी भी देवी देवता की हो, यहाँ पर मैं अपने इष्ट देवता की चुनरी लगाऊंगा, अपने जो हमारे इष्ट माता हैं, इष्ट देवी, कुल देवता, कुल देवी, जो भी बोलें आप, जय हो। इनको बहुत ही संभाल के रखता हूँ, क्योंकि ये भी किसी ना किसी देवता या किसी के इष्ट देवता की निशानियाँ होंगी। अब ये चीज़ रहेगी, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ स्वयं भोलेनाथ जी हैं हमारे साथ, और इस तरफ शिव परिवार है, तो ये ठीक है, इसको ऐसे ही रखेंगे हम लोग। और इस तरह से इसको ऐसा रखेंगे ताकि पीछे वाली गाड़ी दिख जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आज के लिए काफ़ी हो गया, ये जितना भी हुआ थोड़ा बहुत कर लिया मैंने, साफ़ सफाई बोलें या क्या बोलें, ये काफ़ी हो गया। अब मौसम को देखते हुए ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं, तंदूर सेकते हैं या हीटर लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं, क्योंकि पैर ठंडे हो गए। और सामान देखिए इसमें बहुत सारा निकला है, बहुत कुछ निकला है इसमें, तो ये सारा मैं घर ले जाऊँगा। जो बेकार चीज़ें होंगी उसको डस्टबिन में फेंकूँगा, जो रखने वाली चीज़ें होगी वो मैं रखूँगा। बाकी दोस्तों ये बाइक रही, इसको भी थोड़ा थोड़ा पोछा मार लेते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ये साफ़ होती रहती है बीच बीच में काफ़ी बार।
अभी है, ठीक है, ये ठीक ही है, अभी दो तीन दिन पहले साफ़ की थी मैंने, बाकी ज़रूरी गाड़ी थी जो हो गई है, ठीक ही हो गई है लगभग, बाकी बाहर निकाल के देखेंगे कि एक दिन। इसका एल सिंबल इसका मिट गया है, इसको दोबारा से लगाना पड़ेगा, यहाँ भी और अगली साइड भी, दोनों तरफ ज़रूरी होता है लगाना। ओ ये वाली लाइट रह गई अंदर साफ़ करने को, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक लगने में लगती है शायद, ये जलती होगी उस टाइम। चलिए देखेंगे इसका क्या करना है, फिलहाल हम चलते हैं घर की तरफ। और एक चीज़ मैंने लाया था जो टेस्ट नहीं किया, करेंगे बाद में। पैर ठंडे हो गए गाइस, सबसे पहले थोड़ा गर्म कर लेते हैं पैर, यहीं बैठने से गर्म हो जाएंगे, पत्थर भी गर्म है बहुत। वीडियो लूंगा मैं पूरी। हो गया स्नान, हो गया नाली। अच्छा मैं बता रहा था आपको कि मैं कुछ ले गया था अपने साथ टेस्ट करने के लिए, मुझे टेस्ट करना था वो चीज़। अब क्या है मैं बताता हूँ आपको, वो है चेस्ट माउंट, ये वाला, इसमें गोप्रो अटैच होता है और मैं बिना हेलमेट के, बिना जो यहाँ पर लगती है वो बैट, बिना उसके मैं इसको मैं शूट कर सकता था इसको, बस मुझे ऐसे लगाना है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल आएगा उसमें। मेरे हाथ देख सकते हैं आप लोग, हाथ दिखेंगे मेरे, काम करता हुआ या कुछ भी, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर पाया इसको, ध्यान ही नहीं आया जब वापिस आ रहा था, तब ध्यान आया जाके। चलिए कोई बात नहीं, घर में ही ट्राई करेंगे, थोड़ा बहुत घर में शूट करेंगे इससे, यहाँ पर गोप्रो अटैच करके। हाय गुनू, कैसे हैं आप, कहाँ गए थे? नाने आई ना के चलो अंदर सर, मैं गया था घूमने, वाटरफॉल गया था मैं, ये तो है वाटरफॉल यहाँ पे, हाथ भी नहीं धोए देख अब भैया। तो गाइज ये कुछ इस तरह का व्यू है, ये एंगल है मेरा जो चेस्ट माउंट है, बेल्ट है उसमें गोप्रो अटैच करके, और देख सकते हैं आप हाथ दिख रहे होंगे, और वो सामने गुन्नू, इवा, मिर्जान सब यहीं पर है। दोस्तों शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है, और बाहर निकलते ही मैं देखता हूँ कि स्नोफॉल शुरू हो चुका है हल्का हल्का, अभी फ़िलहाल कम कम है, और ये जैसे जैसे रात होगी ये बढ़ता जाएगा, और अगर रात को वैसे पड़नी चाहिए, रात भर आएगी तो बहुत मज़ा आएगा, सुबह तक काफ़ी बर्फ़ हो जाएगी। वाओ क्या बात है, चलिए मैं जा रहा हूँ अंदर, अंदर तंदूर जला हुआ है, ये जली गया तंदूर, ऐ खुदा नहीं ऐसी झाड़ू देखो झाड़ू, चलो लाम चिकली चिकली चिकली।